Hello everyone, welcome to All in Modern Gurukula. So in today's session, we are going to discuss the MNS 2022 notification, age limit, eligibility and exam pattern. हम इसमें सारा कुछ discuss करेंगे. Most of you are asking again and again me कि कब हमारे notification release होंगे, कब हमें कितनी age limit है, क्या हम कैसे apply करेंगे. तो इस video में मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ discuss करूँगी. Still आप लोगों को कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में पूछ सकते हैं. So let's start the session. सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कोई भी आपको बोले कि हाँ फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके का एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चेक करेंगे. वो है आपकी जॉइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट होती है, वहाँ पर ही सारा नोटिफिकेशन ऑफिशियली डिक्लेयर होता है. ठीक है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये थी. अब इसके बाद मैं आप लोगों को दो तरीके से बताऊँगी कि MNS में जो एंट्री होती है ना, वो दो तरीके से होती है. देखिए, आप लोग बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो गए होंगे, एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो पता नहीं क्या होगा. तो आप लोग देखिए, आप लोग बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं यूजी लेवल पे और पीजी लेवल पे. ठीक है, अभी डिफरेंशिएट मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में करूंगी. तो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले इसके एग्जाम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ. इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, MNS के नाम से ये एग्जाम फेमस है. ठीक है, ये क्या कोर्स कराता है, सबसे पहले तो आप लोग के दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वहाँ जाते ही आपकी जॉब नहीं लगती है. ये कोर्स कंडक्ट करवाता है किस चीज़ के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए. ठीक है, बीएससी नर्सिंग में देखिए, अब दो तरीके से आप MNS को ज्वाइन कर सकते हो. फर्स्ट होता है आपका जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, इसमें आपका क्या होता है, आप लोग आफ्टर 12th ये एग्ज़ाम देते हो और डायरेक्टली आपका MNS में सिलेक्शन हो जाता है, मतलब आपको फिर से कोई और एग्जाम नहीं देना होता है. दूसरा है, जो कैंडिडेट बाहर से बीएससी नर्सिंग आपको कोर्स करवा रहे हैं ना, तो अगर किसी कैंडिडेट ने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग किया है तो क्या वो MNS बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है. आप लोग क्या करेंगे, जॉइन इंडियन आर्मी की साइट पे ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, आप वहीं से ऑफिशियली नोटिफिकेशन चेक करके डायरेक्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए ये आफ्टर आपका आफ्टर बीएससी नर्सिंग है. ठीक है, दो तरीके से एंट्री होती है. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं इनको 4 ईयर की बीएससी नर्सिंग कराई जाती है. ठीक है, और ये वाले जो कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं इनको बीएससी नर्सिंग नहीं कराया जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग करके एंट्री लेते हैं. तो इनके लिए क्या क्राइटेरिया है, इनको 6 मंथ की ट्रेनिंग कराई जाती है. ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट आप लेफ्टिनेंट रैंक ज्वाइन कर लेते हैं. सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे कि आप आर्मी कॉलेजेस में पढ़ेंगे और यहाँ पे कि आप किसी भी कॉलेज से करके जा सकते हैं. अभी कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. अब एग्जाम ऑफ लेवल देखिए, नेशनल लेवल पे होता है, ऐसा नहीं कि स्टेट लेवल का एग्जाम है, नेशनल लेवल पे होता है. ठीक है, अब देखिए पीयूजी और पीजी मैंने आपको बता दिया. अब इसके अंदर अलग अलग एग्जाम की बॉडी है, उसमें ही आपका एक AFMCB कॉलेज है, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को. ठीक है, उसके बाद कौन कौन से कोर्स ये लोग ऑफर करते हैं, देखिए यूजी करता है, पीजी करता है, ये आपके जो उसके अंदर की कॉलेज है वो करते हैं. ठीक है, मैं भी आपको इसके बारे में बताऊंगी. आगे देखिए, जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है ऑनलाइन निकलेगा, जो एग्ज़ाम का मोड है वो भी ऑनलाइन होता है. अब यहाँ पे कुछ ये हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन हेल्पलाइन नंबर का यूज़ कर सकते हैं. कभी भी आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको नोटिफिकेशन किसी भी चीज़ के लिए अपडेट आपको जानना है, और ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपको अपडेट रहना है सिर्फ एक ही वेबसाइट है, joinindianarmy.nic.in की. ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कब आपके फॉर्म रिलीज़ होंगे. ठीक है, तो अभी से आपको चेक करते रहना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अक्टूबर तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, नवंबर में आपके फॉर्म रिलीज़ होंगे. ठीक है, नवंबर में रिलीज़ होंगे तो एक मंथ का आपको टाइम मिलता है, दिसंबर में आपके फॉर्म की डेडलाइन हो जाएगी. ठीक है, एडमिट कार्ड, अब आप लोग का एडमिट कार्ड जो है मार्च में रिलीज़ होगा. मार्च में तो इट मीन्स कि मार्च के फर्स्ट वीक में होगा, तो आपका एंड में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा. मार्च के लास्ट वीक में होगा तो अप्रैल फर्स्ट वीक में, तो समझिए उसी मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा. ठीक है, और एक मंथ में आपका रिजल्ट आएगा, तो यानी कि अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा. ठीक है, ये मई मार्च लिखते हैं यहाँ पे गलती से, अप्रैल में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा. और उसके बाद इंटरव्यू, जस्ट एक महीने बाद आपके इंटरव्यू होंगे, तो इंटरव्यू आपके कब होंगे, मई में. अप्रैल के बाद एक महीने में इंटरव्यू होने लगते हैं, साथ साथ आपका मेडिकल हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो रहा आपका नोटिफिकेशन के फॉर्म कब रिलीज होंगे, कितना है. अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज क्राइटेरिया कि कौन अप्लाई कर सकता है. बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम है. देखिए, अगर आप इन दोनों डेट को एक्सक्लूड कर दीजिए, इसके बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं October 1, 1995 से, अगर ये दोनों डेट को आपको वो कर देना है, इसके बीच में अगर आप आ रहे हैं, बिटवीन लिखा है ना, बॉर्न बिटवीन, तो इन दोनों के बीच में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. और दूसरी चीज़, इसमें आपका कोई नंबर ऑफ अटैम्प्ट नहीं होता है कि आपको एक अटैम्प्ट देना है, तीन अटैम्प्ट देना है, जितने अटैम्प्ट चाहे आप उतने अटैम्प्ट दे सकते हैं. ठीक है, बस
कंडीशन एक ही है इसमें कि आपका एज लिमिट इतना होना चाहिए, मैक्सिमम 24 इयर्स तक आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना डिप्रेशन या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो टोटल 6 कॉलेजेस हैं। अब यही मैं आपको बता रही थी कि आप लोगों ने जैसे यूजी कहीं से कर लिया, आपको पीजी करना है, तो आप पीजी करने के लिए भी इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हर एक कॉलेज अपना अपना सीट्स निकालता है, तो 40 सीट्स आपकी एफएमसी पुणे में है, ठीक है। ये सारे 6 कॉलेजेस के नाम आपको पता होना चाहिए। कोलकाता में है, अश्विनी है आपका, न्यू दिल्ली, लखनऊ और बेंगलोर के, ये सारे कॉलेजेस हैं। इसमें हर एक कॉलेज में अलग अलग आपकी सीट्स हैं, सब अपने अकॉर्डिंग अपनी सीट्स निकालते हैं, ठीक है। तो अभी से आपको अपना ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है और उसके लिए मेहनत करनी है। अब हम देखते हैं इसका फीस और एलिजिबिलिटी। फीस आप लोग अगर देखेंगे तो 750 इन लोगों की एप्लीकेशन फीस कर दी है, या आप लोग ऑनलाइन मोड पे या ऐसे आप लोग पे कर सकते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड से। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एवरीथिंग डिस्कस कर लिया है कि कब आपका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, और जल्दी मैं आप लोगों के लिए क्लासेस वगैरह भी अरेंज करूँगी। तो अभी कोई आप लोग को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।